हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ रात को स्टार्ट किया था, 31 मीम कॉइंस इधर बन चुके हैं, 22 मीम कॉइंस इधर बन चुके हैं, 2 पूल्स में पैसा लगाया था और एकदम से इतना पैसा मुझे सुबह उठते ही दिख गया। सडनली इतने ज़्यादा कॉइंस मिल गए और जब मैंने देखा मुझे लगा शायद काफ़ी सारे कॉइंस होंगे इनकी सप्लाई में, लेकिन पता चला कि इनकी सप्लाई ही बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मीम लैंड के बारे में, जिसका एक गाना भी है, पिंड पे आ सारा मीम लैंड बने आ, तो आख दी है चट्टा शहर गेड़ा मार जा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टोटल सप्लाई है 69 बिलियन की सप्लाई है, और अगर मुझे ये थोड़े से TUSD स्टे करने पर, थोड़े से BNB स्टे करने पर इतनी जल्दी इतने ज़्यादा मीम कॉइंस दे सकते हैं, जो कि लगभग 32 मीम कॉइंस इधर हैं और लगभग 23 मीम कॉइंस इधर हैं, इतनी फासली अगर मिल गए हैं तो सच्चाई ये है कि एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 30 दिन तक ये फार्मिंग चलने वाली है। 30 दिन तक फार्मिंग चलेगी तो आप सोचो कितना ज़्यादा हम कमा लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि पाँच छः दिन के बाद यहाँ पे लिस्टिंग भी होने वाली है, और वो भी बाइनेंस के ऊपर। तो ये कैसे आप फ्री में अर्न करने वाले हैं, कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि सबका बाप सामने आ चुका है। पहले हमने शिबाइनू देखा, डॉजकॉइन देखा, फ्लॉकी, पेपे कॉइन सारे देखे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन के बारे में, जिसका नाम ही मीम कॉइन है। आप इसका ट्विटर हैंडल चेक करोगे मीम कॉइन, और इसके जो टोटल फॉलोअर्स हैं 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डेफिनेटली ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि ये बाइनेंस का प्रोजेक्ट है, तो बाइनेंस का जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो लॉन्च पैड के ऊपर हो, लॉन्च पूल के ऊपर हो, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, यहाँ पे फार्मिंग करो, इसके ऊपर फी में कॉइन्स मिल रही हैं तो क्यों ना कमाए जाएं, कमाने चाहिए। मैं इसमें क्या कि आपको ये आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टेप वाइज भी बताऊंगा कि आपने कैसे फार्मिंग करनी है, वो भी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली है। जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे मैं मीम कॉइन के बारे में अपडेट दे चुका हूँ, हर एक चीज़ बता चुका हूँ, एंड बहुत लोग इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतनी फास्टली कॉइन्स मिल रहे हैं, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ बड़ा प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ नया आते ही रहता है। जैसे कि पहले रिसेंटली इन्होंने कुछ NFTs फ्री में दिए थे, उससे पहले इन्होंने कुछ कॉइन्स फ्री में दिए थे, काफी सारी ऐसी कलेबरेशन आती रहती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अभी शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे डॉज कॉइन है जो कि 9th रैंक पर है, 9th रैंक पर शिबाइनू, टॉप पिक जो चलता रहता है हमेशा वो है पेपे, पेपे कॉइन। तो ये सारे के सारे मीम कॉइन्स हैं, लेकिन ये मीम कॉइन होकर भी इनका बोलना हमेशा ये होता है कि हम मीम कॉइन नहीं है, या फिर हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, या फिर हमारा डिफाई प्रोजेक्ट है, हमारा क्या गेमिंग प्रोजेक्ट है, मेटावर्स प्रोजेक्ट है, बहुत सारे बड़े से बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन ये जो मीम कॉइन है, जो मैंने आपको मीम लैंड बताया, इनका इन्होंने क्लियरली बताया कि हम लिटरली मीम कॉइन है, सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन है, नाम भी मीम है, जिसको मैमे भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एक और चीज़ क्लियरली बताई है, नो यूटिलिटी, नो रोड मैप, नो प्रॉमिसेस, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, जस्ट 100% मीम्स। यानी कि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है, प्रॉमिस भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। तो टोकनॉमिक्स एक बार फिर से देखते हैं, टोटल सप्लाई 69 बिलियन की, और प्राइस आप देख सकते हैं मीम का $0.001। जब इन्होंने कहा था कि हमारे कोई प्रॉमिसेस नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, तब मुझे लगा था कि यहाँ पे कई सारी जीरोस होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जीरोस तो सिर्फ 0.00, यानी कि सिर्फ 2 जीरोस ही हैं, और ये 1 सेंट, फिर उसके बाद $1 बहुत जल्द पहुँच सकता है, ये मेरा मानना है। हालांकि इन्होंने कहा है कि इनका कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा इट्स ऑलवेज मीम सीजन। यहाँ पे वेट लिस्ट बताई गई है और फायर सेल बताया हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है, चाहे रोड मैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयर ड्रॉप्स का बताया हुआ है, और इसी के साथ टोकन लॉन्च का बताया हुआ है, टोकन की लिस्टिंग का बताया हुआ है, हर एक चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब मैं एयर ड्रॉप के ऊपर ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया था कि 25% ऑफ टोटल मीम सप्लाई को एयर ड्रॉप में दिया जाएगा, और कोई मोस्ट रीसेंट अपडेट्स नहीं है ट्विटर के ऊपर, सिर्फ यहाँ पे फॉलोअर्स दिख रहे हैं, और इनके ऊपर जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट तो अच्छी दिख रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्वीट किया और उसकी कोई एंगेजमेंट ही नहीं आई। तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गया मीम कॉइन का, इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने फार्म कैसे करना है। तो यहाँ पे मीम लैंड प्रेजेंट लिखा हुआ, मीम लैंड प्रेजेंट मीम कॉइन, 1 मीम टू रूल देम ऑल, यानी कि जितने भी हैं जो पहले बने हुए उनको रूल करने वाला है, और 29 अक्टूबर को ये रिजल्ट रिवील करने वाले हैं, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, होल्ड ऑन टू योर कीबोर्ड्स, मेम इज अमूल वॉकिंग इट्स वे टू बाइनेंस। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि ये बाइनेंस के ऊपर आ रहा है, एंड डेफिनेटली आ ही रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अभी इन्होंने अपना फार्मिंग शुरू कर दिया। फार्मिंग के बाद यहाँ पे क्या कि कॉइन की लिस्टिंग भी है 5 दिन के अंदर।
वंस अगेन आपको बता देता हूँ कि मेरे जो मीम कॉइंट्स हैं कितने हैं। टीयूएसडी पूल में मेरे बने हैं 31.9 मीम कॉइंट्स और बीएनबी पूल के ऊपर बने हैं 22.7 मीम कॉइंट्स। आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ये मैंने पिछली रात शायद 11-12 बजे के आसपास मैंने ऐसे ही कुछ सोच के स्टे कर दिया था, क्योंकि जो पुराना पूल था न्यूट्रॉन्स वाला NTRN वाला, वो मैंने पूल से वहाँ से पैसा निकाला और इसमें डाल दिया, क्योंकि वो पूल बंद होने वाला था 2-3 दिन में और उसमें भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉइन्स अर्न कर लिए थे। तो मैंने सोचा नया एक पूल आया तो नए पूल में लगाते हैं, तो ये पूल देख के मैंने इसी में लगा दिया। तो यहाँ पे अगेन तीन पूल दिए गए, BNB पूल, TSD पूल, FTSD पूल। आपके पास तीनों में से कोई भी कॉइन्स होने चाहिए, चाहे वो BNB है, TSD है। और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होने वाला है कि आपके पास अगर थोड़ी क्वांटिटी है तब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एज ए रिवॉर्ड मिल जाएगा, हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो बिफोर मूविंग टू मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपने डेस्कटॉप पे खोला है तो आप मोर में जाओगे, लॉन्च पैड के ऊपर जाओगे, लॉन्च पैड के ऊपर आपको यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे मेन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन खोल ली है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपका बाइनेंस खुल जाएगा, बाइनेंस खोलने के बाद आपने जाना है यहाँ पे मोर के ऊपर। मोर के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, रिकमेंड, कॉमन फंक्शन, गिफ्ट एंड कैंपेन, ट्रेड, इसी के साथ आएगा अर्न आएगा। अर्न में होता है हमेशा लॉन्च पैड, तो यहाँ पे हमने लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक किया। लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, मेमे और इसी के साथ है TUSD और BNB पूल। तो इनको हार्वेस्ट करना है, मैंने हार्वेस्ट करने के लिए मैंने पेंडिंग हार्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हार्वेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक किया तो मुझे जितनी भी हार्वेस्टिंग थी सारी मिल गई। आप देख सकते हैं कितने बने हैं, ये 31+22 यानी कि ऑलमोस्ट 53-54 बन चुके हैं अगर हम पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इतने ज़्यादा बन चुके हैं। एंड आपने स्टे कैसे करना है, मैं यहाँ पे FDSD पूल की एग्जांपल लेके बताता हूँ। स्टे के ऊपर क्लिक किया, आपके पास FDSD होने चाहिए यानी कि आपने पहले बाय करके रखने, उसके बाद आपने स्टे के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे स्टे मेरे लिए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास FDSD है ही नहीं। इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी मर्जी है आपने कितने परसेंट डालने हैं, चाहे 100% डाल दो क्योंकि इसका आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर आपके स्पॉट वॉलेट में ऐसे ही पड़े हैं डॉलर्स, कोई भी डॉलर्स पड़े हैं, उनको FDSD में, TUSD में कन्वर्ट करो और इसमें स्टेक कर दो। स्टेक करने के बाद आपके रिवॉर्ड्स यहाँ पे कैलकुलेट होते रहेंगे और आप इनको क्लेम कर सकते हैं कभी भी। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो कि इस पूल की है वो ये कि आप रिडीम कभी भी कर सकते हो। रिडीम के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर FDSD यहाँ पे स्टे किया होता तो मैंने रिडीम के ऊपर क्लिक करना था। रिडीम के ऊपर क्लिक करते ही मैं कभी भी अपना अमाउंट FDSD का, TUSD का, BNB का वापस ले सकता हूँ, वो डायरेक्टली मेरे स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो ये बहुत ही क्विक ऑपरेशन रहता है। इसी के साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, आपने एक बार स्टे करके रख दिया, आपको टाइम नहीं मिल रहा है बार बार क्लेम करने का, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप चाहे एक महीना भूल गए हो, 2 महीने आपने बाइनेंस नहीं चलाया, तब भी आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में पहुँचते रहेंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि लिस्टिंग आने वाली है, जैसे ही कॉइन की लिस्टिंग आएगी 5 दिन के बाद, 5 दिन और 23 घंटे बताएं यानी कि लगभग 6 दिन के बाद, जब 6 दिन के बाद इसकी लिस्टिंग आएगी, लिस्टिंग पर इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है क्योंकि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी इस कॉइन की तो प्राइस हाई जाएगा। आपने उस मौके का फायदा उठाना है और मीम कॉइन को सेल भी करना है या ट्रेड करना है, उसी से प्रॉफिट बना लेना है। ये मैंने आपको एक और टिप दे दी। अब इसके अलावा क्या कि ये तो लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग के बाद भी फार्मिंग चलती रहेगी, ये टोटल 30 दिन की है, आज के बाद भी 29 दिन बाकी है, तो टोटल 30 दिन फार्मिंग चलेगी तो मीम कॉइन्स आपके पास काफी ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, जब लिस्टिंग होगी उस वक्त तक जितने भी आपके कॉइन्स होंगे ट्राई करना सारे के सारे सेल ऑफ कर देना, जो भी हाईएस्ट प्राइस आपको मिले उसी पे सेल ऑफ कर दो, सेल ऑफ करके अपना प्रॉफिट निकालो, क्योंकि उसके बाद आपको फिर भी लगभग 24-25 दिन फिर भी ये मीम कॉइन्स मिलने वाले जो कि आपके वॉलेट में इकट्ठे होते रहेंगे, आपके बैलेंस में इकट्ठे होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने पकड़ के रखना है, किसी भी कॉइन को पकड़ के मत रखो, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा जरूर निकालो, प्रॉफिट निकालते रहो, होल्ड करने के लिए अलग से क्वांटिटी रखो। उसके बाद भी अगर प्राइस ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि इसके इवेंट्स भी आएंगे मीम कॉइन्स के या मीम लैंड के, फिर आप फिर से ट्रेड कर पाओगे बैलेंस के ऊपर ही। तो हाँ, ओवरऑल हमारे इस प्रोजेक्ट का मतलब यही था कि आपने यहाँ पे कैसे स्टे करना है और कैसे रिडीम करना है। रिडीम का आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार इमरजेंसी पड़ती है कि आपको पैसा निकालना है या फिर USDT चाहिए, स्टेबल कॉइन चाहिए, तो उनको निकालो, 1 सेकंड में निकालो और सीधा आपके डायरेक्ट स्पॉट वॉलेट में। अब उसके बाद एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके पास BNBs पड़े हैं तो सारे यहाँ पे लगा दो, TUSD पड़े हैं सारे यहाँ पे लगा दो, आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, सारा अमाउंट यहाँ पे लगाओ और उसका फ़ायदा उठाओ। एंड आज का हमारा ये वीडियो इतना ही, एंड मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा
कि ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट मैंने देखा आज तक जिसने इतनी फास्टली कॉइन्स भी दिए। एंड बाकी अपडेट्स मैं आपको ना टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल सर्च करके या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे, सबसे पहले आपको मिलने वाली है। एंड ट्विटर के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मैं अब काफ़ी सारे अपडेट्स डालता हूँ एंड हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छे रिप्लाइज भी आते रहते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। एंड मार्केट यहाँ पे ग्रीड में चल रही है 71, आपको कल भी बताया था, जिसकी वजह से हम इस मार्केट का फायदा उठाएंगे और अच्छा अर्न भी करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस फ्री अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।